असल इन्सिडेंट पारिमपो मंडी पे ये दो नफर के पान वन कथ तथा पे बहस गुत अफर ब्या नफर ठतल कलर वन अम्स हथियार तमाम कतल कर वन अमी पानी कॉजि और मसल्च यूत बड़ेमुत क्यों अम्स कतल कर चलो खबर ब्रा वीडियो प्लान सोरे मसल क्या चलो वीडियो लाइक शनल कर सबसक्राइब युद्ध टीम वीडियो नोट मे वल चलो ब्रांड बात जरा श्रीनगर की करते हैं श्रीनगर आज फिर से खबरों में बना है और श्रीनगर का पारिमपुरा इलाका इस वक्त खबरों में बना है और आपको बताते चले कि आपको सुनकर ताजुब होगा इस खबर की बात इससे पहले भी हालांकि इस तरीके के मामले हमने कश्मीर के कई सारे इलाकों के अंदर देखने को मिले हमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिले लेकिन इस बार अगर देखा जाए श्रीनगर के पारिमपुरा इलाके के अंदर एक शख्स को आप मुबैना तौर पर अपने ही कजन ने मार डाला और ये पूरी कहानी क्या है हम अब तक तफसी पहुंचाने की कोशिश करेंगे दरअसल खबर कुछ इस तरीके की है कि यह मामला दो पारिमपुरा बस स्टैंड के अंदर मुबायना तौर पर दो कजन के दरमियान जो है किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस इस हद तक बढ़ चुकी बढ़ गई इस हद तक बढ़ गई कि एक ने दूसरे के ऊपर किसी तेज तरार हथियार से वार किया अटैक किया और हालांकि दूसरा जो उसका कजन है वो उसकी शिनाखत जो है आमिर अहमद मीर के नाम से हुई है कि वो शरीर तौर पर इस वार के अंदर या इस बैस के अंदर जख्मी हुआ और जख्मी होने के बाद उसे अगर अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां पर आ उसे ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई लेकिन वहां पर पहुंचाते ही डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड यानी कि मुर्दा करार दिया है लेकिन हालांकि बहस किस बात को लेकर हुई इस पर बात करना भी कबल वक्त होगा लेकिन बहस क्या हुई थी और क्या इतना गमगीन मामला था कि इतनी ये बहस तक बढ़ गई कि एक ने दूसरे के ऊपर किसी तेज तरार से वार करके और ये मामला इसी पारिमपुरा के बस स्टैंड में ही मामला पेश आया और अगर मैं थोड़ा सा आपको देता आमिर अहमद मीर जो रहने वाला पारिमपुरा का है उसे स्टैब किया गया और किसी अपने मुबाना तौर पर अपनी कजन ने इस पारिमपुरा के अंदर और एक फोटो हमारे पास इसकी आई है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे ये फोटो जो आप मेरे साथ में तस्वीरों में देख रहे हैं साफ तौर पर ये आमिर अहमद मीर है जिसे मुबैना तौर पर अपने ही कज़न ने किसी तेज तरार या शार्प एजेड वेपन से इसके ऊपर हमला करके या इसके ऊपर अटैक करके ये शदी तौर पर जख्मी हुआ और जख्मों की हालत में अगर जिसे एस एम एच एस मुंतकिल किया गया लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एस एम एच एस पहुंचाते ही जख्मों की ताप न लाकर दम तोड़ बैठा है हालांकि पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है और कारण इसका क्या है कि क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से यह मामला इस हद तक बढ़ गया कि यह मामला जो है इसमें एक नौजवान को अपनी जान का नजर आने या अपनी जान गंवानी पड़ी और फिलहाल पुलिस ने इस जमीन में कार्रवाई शुरू की है लेकिन बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है इसी पर इकबाल अलाम सर मोहम्मद इकबाल कह चुके हैं कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया बहस इस हद तक बढ़ गई कि एक ने दूसरे के ऊपर किसी तेज तरह हथियार से वार किया और वार के दरमियान एक नौजवान को अपनी जिंदगी की यू नो अपनी जिंदगी से हाथ धो धोना पड़ा मजिद इसमें क्या कुछ और तफसी पुलिस रिपोर्ट लेकर आती है वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए आप मुझे आ ठीक है जारीत अल्लाह अफेज अलानिके बान चलो तो आशा पाएगी कश्मीर मच्छा आए दिन नीची मसल गसान और दोहर दोष क्या नो नो आसान चलो यूज़ अजीब वीडियो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब क्या क्या चैनल पर चुमा वायरल वीडियो 20 वीडियोस ताइन अल्लाह हाफी